फैन को पास बुलाया, रोहित शर्मा ने प्यार जताया, विराट को ऊपर से बुलाया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा और टीम पुणे पहुंच चुकी है। आज टीम इंडिया ने प्रैक्टिस भी करी, विराट ने, रोहित ने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करी, ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए नजर आए वहां पर। और ऋषभ पंत पर अपडेट ये है कि वो फुल्ली फिट हैं और वो दूसरे टेस्ट में आपको विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच एक फैन मोमेंट हो गया रोहित शर्मा के साथ, जब वो प्रैक्टिस करके वापस मैदान से बाहर जा रहे थे तो स्टेयर्स पर उनकी एक बहुत बड़ी फैन ने रोहित शर्मा से अपील कर दी ऑटोग्राफ के लिए और रोहित शर्मा को वहां पर रुकना पड़ा और उस फैन को अपना ऑटोग्राफ देना पड़ा, जिसके बाद फैन ने थैंक यू रोहित शर्मा को कहा और ये भी बोला कि विराट कोहली को कहना उनकी बहुत बड़ी फैन आई है। तो रोहित शर्मा का आंसर था कि बिल्कुल, मैं विराट कोहली को जाकर बोल दूंगा कि उनकी बहुत बड़ी फैन बाहर उनका वेट कर रही है। तो ये फैन मोमेंट रहा रोहित शर्मा के लिए। और आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है वो पुणे में होगा, जिसके लिए पिच पर काफ़ी सारी चर्चा हुई थी कि स्लो टर्नर होगा, ये होगा, वो होगा, जिसके वजह से टीम इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया डिफेंसिव मोड में आ चुका है, स्पिनर्स को बैक करने के लिए टीम इंडिया ऐसे विकेट्स बना रहा है, स्लो टर्नर बना रहा है, 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जा सकता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और आपके रविचंद्रन अश्विन, तो 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया हो सकता है इस मैदान पर उतरे, क्योंकि पहला मुकाबला टीम इंडिया बेंगलुरु में हार चुकी है 8 विकेट से, जिसके बाद टीम इंडिया पर सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा है। और आपको बता दूं कि अगर सीरीज में हार होती है तो WTC फाइनल भी टीम इंडिया का खतरे में पड़ सकता है। तो हर कीमत, किसी भी कीमत पर टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। और जब आप मुंबई जाएंगे, मुंबई में तीसरा मुकाबला है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज का, और वहां पर भी जीत हासिल करके सीरीज जीतनी पड़ेगी, तब जाके WTC फाइनल के आपके जो कंफर्मेशन है लगभग वो तय हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।